कॉल लगाओ बैगन मिलाओ ओनली ऑन रेडियो हल्दी विद आरजे उमर. What's wrong with these people? मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, पंजाब, आगरा, सब कॉल किया, सब के सब गाली दे रहा है. Nobody like this job. अब हैदराबाद बाकी है. Let's call to हैदराबाद. Hello. Hi, may I speak to Mr. Razak? हाँ, रजाक बोल रहा हूँ मैं. Hi Razak, this is consultancy. कौन सी consultancy? अरे क्या बड़े भाई, इतने बार फोन करना है तुम्हारे को. एक तो दो महीने हो गया पैसे दे दे के पूरे जब का जब ही क्लियर करके दिया पैसे, दो महीने हो गया. फोन करके पूछो तो वो लड़की उठा के बोल रही क्या बोलते रुको साइड में एक मिनट लाइन पे रहो बोल के 15-15 मिनट 10-10 मिनट ठहरा दे रहे. एक तो पैसे कटिया रहे 12-10 रुपए कटिया रहे. दो महीने हो गया ऑफिस, ऊपर से ऑफिस को आने के बाद एक तो मेरे पास मैं पेट्रोल डला के आता हूँ 60 रुपए का, 6 तक में डला के आता हूँ. आने के बाद बात करना छोड़ के एक एक घंटा बिठाए थे, दो दो घंटे बिठाए थे तुम्हारे पास. क्या तो भी है ये तरीका है यार, तुम ही बोलो. मिस्टर रज़ाक जस्ट कूल डाउन, एक्चुअली आपके लिए एक जॉब है, जॉब के लिए मैंने आपको कॉल किया. अल्हम्दुलिल्लाह. बोलो भाई क्या जॉब है बोल दो. एक्चुअली जो आपने प्रोफाइल दी थी, आपकी प्रोफाइल को ये मैच नहीं करता जॉब. एक्चुअली जॉब थोड़ा सा डिफरेंट है तो, और जॉब थोड़ा ट्रिकी है. आई होप आप कर सकते हो. मैं भी बहुत टिकी हूँ भाई, अब सब कर ले सकते हैं अपन जॉब. आपको कुछ भी अपने वो नहीं है, ये करेंगे वो करेंगे बोल के नहीं है, कर सब कुछ भी कर ले सकते हैं अपन अल्हम्दुलिल्लाह. आप खाली ये बोलो कब से जॉब पे चढ़ना है और तनख्वाह क्या रहेंगी और कहाँ की जॉब है, किधर है, जरा डिटेल तो बोलो. एक्चुअली मिस्टर रजाक ये जो जॉब है वो दुबई में है तो आई होप आप कर सकते हो. अरे कोई बात नहीं भाई, हमारा चचा का बच्चा भी दुबई में है और हमारा खलेरा भाई भी परसों गया दुबई और हमारी फूफू की बेटी भी शादी कर लेके वंचपुरी सेटल है. ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, पूरा आधे से ज्यादा खानदान अपना दुबई में है, कुछ भी नहीं होता मसला. बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है, कर लेंगे दुबई में. टू गुड अब्दुल रजाक साउंड्स गुड, बट एक्चुअली ये मैं आपको जॉब के बारे में पहले बताना चाहूंगा कि आपका काम क्या रहेगा. जॉब थोड़ा आपका जो प्रोफाइल है काफी ट्रिकी जॉब है तो मैं आपको इसके बारे में पहले समझाता हूँ. अगर आप इसके लिए राजी है तो फिर हम आगे बात करते हैं. राइट कर लेंगे भाई. आपने बुर्ज खलीफा का नाम तो सुना होगा. हाँ, वो दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है. सुना. परफेक्ट, आपकी जो जॉब है वो बुर्ज खलीफा में ही है. क्या आप बात कर रहे हैं भाई. या आपकी जो जॉब है वो बिल्कुल बुर्ज खलीफा में है. अरे भाई ये तो ड्रीम्स कम ट्रू हो गए भाई, हमारे अम्मी अब्बा सुनेंगे ना तो खुश हो जाएंगे, जबरदस्त मजा आ जाता. फिर बोलो यहाँ तो. अभी फिलहाल बिजनेस सीजन चल रहा है दुबई के लिए और दुनिया भर से सारे टूरिस्ट आते हैं. ऑलमोस्ट लोग बुर्ज खलीफा देखने के लिए आते हैं, मगर अभी ऐसी एक प्रॉब्लम चल रही है कि जिसकी वजह से लोग बुर्ज खलीफा ठीक से देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे फॉग आ रहा है. बुर्ज खलीफा का टोटल ऊपर का जो फ्लोर है ऑलमोस्ट फॉग से वो भर जा रहा है. ठीक है, तो आपको इसके लिए एक जॉब रहेंगी. एक मिनट भाई. यस. एक डाउट था भाई. हाँ बोलिए. उतनी बड़ी बिल्डिंग में उतनी ऊपर मेंढुक कैसे आ जा रहे हैं भाई. मेंढुक अभी बोले ना फ्रॉग बोल के. मैंने कहा फॉग, जैसे कि ठंडी से जो बादल आ जाते हैं वो फॉग आकर उसको पूरा बिल्डिंग को घेर ले रहे हैं. तो आपका जॉब प्रोफाइल ये रहेगा कि आपको एक फैन देंगे और आपको लटक कर फैन से सारे बादल हटाना है. ठीक है. क्या क्या बोलो, फिर से बोलो भाई. आपका जॉब प्रोफाइल ये है, आपको एक फैन देंगे और आपको बिल्डिंग के ऊपर लटक कर जितने भी बादल आएंगे उन सबको दूर करना है बिल्डिंग से ताकि विजिटर्स उसको ठीक से देख पाए. बादल हटाना है. यस. अच्छा फैन कौन सा देते भाई. वो हाथ का पंखा रहता नहीं, बैटरी से चलाते से रहता नहीं. ये एक्चुअली बैटरी वाला रहेगा. अच्छा ठीक है भाई, क्या है उसका और बोलो फिर क्या करना रहता. उताई जी क्या आप ये जॉब कर सकते हो. हाँ कर लेंगे भाई, इसमें क्या है. मगर आप एक बात है भाई, जरा वीजा का क्या है जरा डिटेल आप बोल दिए तो. वीजा कब दे रहे और सैलरी का टाइम पे होना, साल की छुट्टी को कितने में क्या मिलती, छुट्टी कटी, तरह डिटेल बोलो ना भाई. आर यू श्योर आप ये काम कर सकते हो. हाँ भाई कर लेंगे, मैं सब कर ले सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. आपको मैं बात बोल रहा हूँ, आपको एक बात बोल रहा हूँ भाई, मेरी गारंटी है बुर्ज खलीफा के करीब में एक भी बादल को आने नहीं देता हूँ. मगर क्या है तनख्वाह वनखा जरा टाइम पे मिल गई तो क्या है कर ले सकते है. डिटेल आप बोल देते हो, वालदा वाली साहब को बोल देता हूँ मैं. अरे हंस रहे क्या भाई. I'm really sorry. Actually, आपके फ्रेंड्स बता रहे थे कि आप काफी टाइम से जॉब हंट कर रहे हैं और आपको जॉब नहीं मिल रही है तो उन्होंने एक प्रैंक रिक्वेस्ट दी थी. तो मैं रेडियो हल्दी से उमर बात कर रहा हूँ. बस सॉरी मैं आपसे छोटा सा मजाक करना चाह रहा था, बट आपने तो आज प्रूफ कर दिया कि
हैदराबादी विल बी हैदराबादी, कोई भी काम के लिए तैयार। मजाक? हाँ एक्चुअली आपके फ्रेंड्स ने प्राइम रिक्वेस्ट दी थी तो मैं आपसे थोड़ी सी मस्ती कर रहा था। अरे यार अच्छा कहाँ से बोल रहे हो उमर भाई आप? रेडियो हल्दी। रेडियो से बोल रहे हो उमर भाई? अगर रेडियो वेडियो में जॉब अगर कुछ भी है तो बोलो ना भाई, मैं भी देख लेता हूं। अरे भाई हंस रहे क्या, मजाक नहीं करो अरे भाई अरे क्या हंस रहे भाई, मैं कर लेता हूँ बोलो ना, कुछ भी जॉब कर लेता हूँ, अपन मैं हाथ के नीचे बोले तो भी कर लेता हूँ, फोन लगाने का काम कर लेता हूँ। अरे भाई बोलो भाई, मैं आपको जरूर बताऊंगा अगर कोई भी वैकेंसी रही। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो एक बार थोड़ा प्यार से बोल दीजिए। अच्छा वैगन में मिला दिए भाई हमारे। कॉल लगाओ बैगन मिलाओ, ओनली ऑन रेडियो हल्दी विद आरजे उमर।